पार्टी में हमारे अनिल देसाई जी है, अरविंद सावंत जी है, अनिल परब जी है, तीन लोग ये काम देख रहे हैं, तो उस बारे में वो निर्णय लेंगे। कल विधायक का वापस आ रहे हैं, 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। आने दो कल मुंबई में, शायद वो गोवा जा रहे हैं। पर्यटन तो चल रहा है, पर्यटन गोवा में खत्म होगा, गोवा से मुंबई आना पड़ेगा, कैसे आएंगे, कब आएंगे, या उधर भी पहाड़ देखेंगे, झाड़ देखेंगे, नदी देखेंगे, अच्छा अच्छा होटल देखेंगे, जो गुवाहाटी में बैठे हैं, करने दो, बोला आप लोग। 71 कमरे बुक किए गए हैं गोवा में, करने तो पैसा है, कोई दे रहा है, करने तो क्या कर सकते हैं। सर वरटी बोले सर, कब होगा अपलोड है? कल कल 20 तारीख को स्पेशल सेशन कन्वीन किया है, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव बहुमत सिद्ध करण्यासाठी होणाऱ्या विशेष अधिवेशन बोला, त्याला म्हणतात जेट स्पीड। एवढा स्पीड, 2.5 साल से एक फाइल हमारे उनके पास पड़ी है, 12 MLC का नॉमिनेशन राज्यपाल नियुक्त, 2.5 साल से पड़ी, और ये राज्यपाल महोदय इंतजार यही घड़ी का कर रही थी, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 MLA जो हमारे हैं उनका डिसक्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा, और उसके बीच कोई प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैं इतना ही कहूँगा। कट काही नियम सांगितले कि असंच करायला पाहिजे, तसंच करायला पाहिजे, नाही बघा, एक लक्षात घ्या, मुळात अशा प्रकारचं अधिवेशन बोलवता येईल का, हा पहिला प्रश्न। कारण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 16 आमदारांच्या डिस्क्वालिफिकेशनचा एक मुद्दा प्रलंबित आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिलेले आहेत, जोपर्यंत या आमदारांच्या निलंबनाबाबत किंवा त्यांच्या डिस्क्वालिफिकेशनबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत मला वाटतं अधिवेशन बोलण्यात काही अर्थ नाही। कारण आमच्या दृष्टीनं हे आमदार जे आहेत ते डिस्क्वालिफाय झालेले आहेत, त्यांचे प्रवक्ते काही बोलू द्या, आम्ही कायद्यानं बोलतो आहे, संविधान या देशाला घटना आहे, आणि घटनेचे रखवालदारच अशा प्रकारे संविधान आणि कायदा तुडवणार असतील या महाराष्ट्रात, ज्या महाराष्ट्रात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला आणि ज्या महाराष्ट्राच्या सुपुत्रानं देशाला ही घटना दिली, ती घटना महाराष्ट्राच्या राजभवनातच अशा प्रकारे बुडवली जात असेल समुद्रात, तर मला असं वाटतं ही देशासाठी अत्यंत गंभीर बाब आहे। मी या देशातल्या अनेक सर्वच राजकीय नेत्यांशी माझी चर्चा सुरू आहे, अगदी ममता बॅनर्जीपासून तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत, आणि सगळ्यांना असं वाटतं आहे की हे घटना बाह्य कृत्य होत आहे, एवढा वेग एवढा स्पीड कठीण आहे। चला धन्यवाद। सर जाणारांनी स्वतः जाऊन राजभवनची भेट घेतली आणि ऑन रेकॉर्ड सांगितलं की 39 MLA जे आहेत ती शिवसेनेवर आता नाही, त्यामुळे सरकार अल्पमतात आहे, काय वाटतंय? देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहे, गेल्या 2.5 वर्षापासून हे सरकार महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासूनच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांची भूमिका ही सरकार पाडण्यासंदर्भात आहे, सरकारला काम करू न देण्यासंदर्भातला आहे, आणि त्यासाठी त्यांनी गेले 2.5 वर्ष अथक प्रयत्न केले। त्यांना आता असं वाटतं की त्यांची स्वप्नपूर्तीचा क्षण जवळ आलेला असेल आणि त्यासाठी या घडामोडी घडवत असतील, तर त्यांना मी शुभेच्छा देतो। दुसरी गोष्ट अशी आहे की राज्यपालांना भेटल्या, राज्यपालांना कोणी भेटू शकतात, पण राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलवण्यासाठी जो काय दिवस मुकरर केलेला आहे, हा वेग जो आहे, हा मोदींनी जी राफेल विमानं इथे आणलेली आहेत, लढाऊ विमानं,
तर राफेल विमानापेक्षा प्रचंड वेग राजभवनातला कार्याचा. खरं म्हणजे गेल्या 2.5 वर्षापासून महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटनं 12 आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भात एक फाईल त्यांच्याकडे पाठवली आहे. 2.5 वर्ष ती फाईल हलत नाही आहे. पण काल ताबडतोब काल एक पत्र दिलं जातं आणि ताबडतोब 24 तासामध्ये विशेष अधिवेशन बोलवण्यासंदर्भात मागणी केली जाते. ही फार आश्चर्यकारक आहे. हा वेग आणि या वेगाची जी गती आहे ती खरोखर चमत्कार. सर मुख्यतः ज्या देवेंद्र फडणवीस की कल शाम को मुलाकात होती है और दूसरे दिन ही राज्यपाल इस तरह से बोला जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड. राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा. राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है. कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का खुद सामने से बयान आया ऑन रिकॉर्ड कि 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं. नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में. करने दो. इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है. महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेंगे राजनीति में और असेंबली में गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ. जनता चुप नहीं बैठी. राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहती है कि बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर है पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी. मैंने डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए और आप सिर्फ ये सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे. ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं उसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने अब तक फाइल रखी होगी. लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट कब अप्रोच करने वाली है शिवसेना से?